वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटीआई बेल्डर थ्योरी क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 26 इन हिंदी। क्वेश्चन नंबर 1, खाली जगह। प्रक्रिया एशटलिन के समान है लेकिन जॉब को हवा में ठंडा किया जाता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए टेम्परिंग, ऑप्शन बी नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन सी हार्डनिंग, ऑप्शन डी केस हार्डनिंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में जॉब को हवा में ठंडा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अचानक झटका सहने में धातु की विफलता खाली जगह गुण को दर्शाती है। ऑप्शन ए मैलिएबिलिटी, ऑप्शन बी ब्रिटलनेस, ऑप्शन सी डक्टिलिटी, ऑप्शन डी टफनेस। इनमें से सही आंसर है ऑप्शन बी विल्टिलनेस। विल्टिलनेस झटका नहीं सहन कर सकती। अगला क्वेश्चन, एक धातु द्वारा पेनिट्रेशन के लिए प्रतिरोध खाली जगह गुण को दर्शाता है। ऑप्शन ए मैलिएबिलिटी, ऑप्शन बी डक्टिलिटी, ऑप्शन सी विल्टिलनेस, ऑप्शन डी हार्डनेस। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी हार्डनेस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बेल्ड धातु का लचीलापन खाली जगह द्वारा नापा जाता है। ऑप्शन ए टेंसाइल टेस्ट, ऑप्शन बी बेंड टेस्ट, ऑप्शन सी फटीग टेस्ट, ऑप्शन डी इम्पैक्ट टेस्ट। इनमें से सही आंसर है ऑप्शन बी बेंड टेस्ट। बेंड टेस्ट से लचीलापन नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आई जोड़ और चारपी मशीनें खाली जगह परीक्षण से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इम्पैक्ट टेस्ट, ऑप्शन बी बेंड टेस्ट, ऑप्शन सी फटीग टेस्ट, ऑप्शन डी टेंसाइल टेस्ट। यानी चारपी और मशीनें ऑप्शन ए इम्पैक्ट टेस्ट से संबंधित हैं। इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है चारपी एंड आईजोड़ मशीन से। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रोड को 95% एल्युमिनियम और खाली जगह युक्त एल्युमिनियम की आर्क वेल्डिंग के प्रयोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए 5% सिलिकॉन, ऑप्शन बी 5% मैगनीज, ऑप्शन सी 5% सल्वर और ऑप्शन डी 5% फॉस्फोरस। राइट आंसर है ऑप्शन ए 5% सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 6 से 12 mm मोटाई की एल्युमिनियम प्लेट की आर्क वेल्डिंग के लिए 90 डिग्री का ग्रुप प्रयोग करते हैं। इसमें किस मेटल से बनी बैकअप प्लेट का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी नरम स्टील, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। इनमें से सही आंसर है ऑप्शन ए कॉपर, यानी जो बैकअप प्लेट बनी होती है वो कॉपर की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एल्युमिनियम की ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए खाली जगह कौन सा फ्लेम प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए न्यूट्रल, ऑप्शन बी ऑक्सीडाइजिंग, ऑप्शन सी कार्बोराइजिंग, ऑप्शन डी न्यूट्रल के साथ थोड़ी अधिक एसिटिलीन। इसमें से राइट आंसर है थोड़ी अधिक एसिटिलीन के साथ न्यूट्रल, यानी न्यूट्रल फ्लेम के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एसिटिलीन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कांसा तांबा और खाली जगह का मिश्रण है। ऑप्शन ए टिन और लेड, ऑप्शन बी टिन और जिंक, ऑप्शन सी लेड और जिंक, ऑप्शन डी जिंक और सिलिकॉन। इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन बी टिन और जिंक। इसमें राइट आंसर टिन और जिंक ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अलौ धातुओं की वेल्डिंग के लिए कौन से वेल्डिंग स्रोत को प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन ए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी रेक्टिफायर, ऑप्शन सी मोटर जनरेटर सेट, ऑप्शन डी संधारित्र सेट यानी कैपेसिटर सेट। इसमें से सही आंसर है ऑप्शन बी रेक्टिफायर सेट, यानी नॉन फेरस मेटल के लिए रेक्टिफायर सेट प्रयोग करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।